Hey guys, welcome to my channel. It's me Shruti Mishra. और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज फुल एंड फाइनल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, को बेल बटन लगा है उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो मेरे नए वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए. सो गाइज, जैसे कि आप मेरे टाइटल से जान ही गए होंगे, ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है मुझे, लेकिन बताना मेरा काम है. सो गाइज, आज का रिव्यू होने वाला है पतंजलि एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में विद शी बटर, कोकोनट, वीट जम एंड ऑलिव ऑयल. सो गाइस, ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस की पतंजलि से क्रीम है. पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स मैं ट्राई कर रही हूँ और उनके रिव्यू भी शेयर करती जा रही हूँ वन बाय वन, क्योंकि एक साथ मैं नहीं कर सकती शेयर. एक साथ जो लोग कर देते हैं, गॉड नोज उनको इतनी कहाँ से हिम्मत मिल जाती है कि एक साथ सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यू एक ही वीडियो में कर दो. बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है, पॉइंट क्लियर नहीं हो पाते हैं, बस एक वो महज वीडियो रह जाता है. इस वजह से मैं एक एक करके सारे रिव्यू शेयर कर रही हूँ. अगर बात करें इस क्रीम के प्राइस की, तो ये हमें मिल जाती है 50 ग्राम की क्रीम. इसका प्राइस है 75 रुपीज़. शेल्फ लाइफ आपको मिल जाएगी 24 मंथ्स की, मतलब कि 2 ईयर्स की, तो आप इसको 2 साल तक यूज कर सकते हो. अगर से 3 साइज अवेलेबल हैं, और इसका ये सबसे छोटा साइज ही मैंने परचेज किया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक प्रोडक्ट को लगा नहीं पाती हूँ. इस वजह से रीज़न था कि मैंने छोटा परचेज किया, और ये फर्स्ट टाइम था, क्योंकि जब मुझे कोई प्रोडक्ट पसंद आते हैं उसके बाद ही मैं उसका बड़ा पीस परचेज करती हूँ. सो गाइज, अगर बात करें इसकी पैकेजिंग की, तो ये इस तरीके की अच्छे सी पैकिंग में आता है. पैकिंग काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और अंदर है इस तरीके का जार जो कि प्लास्टिक का जार है और स्लीक सा है, ट्रैवल फ्रेंडली है. सो बात करें कंसिस्टेंसी की, तो ये क्रीम थोड़ी सी थिक टाइप की क्रीम है. इसकी अच्छी है, लाइट है, बहुत चंपा चमेली टाइप की स्मेल नहीं है. जो नहीं, बहुत फ्लावरी टाइप की स्मेल होती है वो मुझे नहीं पसंद आती है, पता नहीं क्यों, पर वो उस तरीके की स्मेल नहीं है. फ्रेगनेंस अच्छी है, और स्किन के हिसाब से थोड़ी सी क्रीम थिक है, जैसे कि इसमें इंग्रेडिएंट्स भी इस तरीके के हैं. तो ये क्रीम थोड़ी सी मुझे ड्राई स्किन के लिए बेटर लगी, और थोड़ी सी एब्जॉर्ब होने में टाइम लेती है. चलिए बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में. घृत कुमारी एलोवेरा, शिया बटर, शी बटर, जैतून का तेल, नारियल तेल, गेहूं का तेल और हल्दी एक्स, मतलब कि हल्दी मिक्स करके, तो इन सारे इंग्रेडिएंट के मिक्स करके ये क्रीम को बनाया गया है. साथ ही साथ इसमें कुछ केमिकल्स डाले गए हैं, जो कि मैं आपको इंग्रेडिएंट का स्नैप स्क्रीन में दे दूंगी, आप ज़रूर पॉज करके चेक कर सकते हैं. मतलब कि बिल्कुल भी ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट नहीं, कुछ थोड़े बहुत केमिकल इसमें मिक्स हैं, बट हाँ, ये पैराबेन फ्री है, मिनरल ऑयल फ्री है. बात करें क्लेम की, तो इसके 2 जगह क्लेम मेंशन किए गए हैं, मैं आपको 1 बाय 1 रीड करके दिखा देती हूँ, क्योंकि आगे कुछ और लिखा है एंड पीछे जार में कुछ और लिखा है, तो अलग अलग क्लेम दिए गए हैं. चलिए मैं बताती हूँ. इसे फ्रंट में लिखा है फॉर मॉइस्चराइजिंग एंड स्किन लाइटिंग, मतलब कि फेस को हाइड्रेट करेगा और स्किन को लाइट करेगा, मतलब कि गोरा करेगा. अब बैक पे इस पर लिखा गया है इंडिकेशन प्रिवेंट एजिंग एंड डिहाइड्रेशन ऑफ स्किन, मतलब कि डिहाइड्रेशन जो स्किन की ड्राइनेस को कम करने में हेल्प करेगा, तो मतलब कि ये मॉइस्चराइज करेगा. इन शॉर्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट विंटर ड्राइनेस, विंटर ड्राइनेस जो होती है, सर्दियों की जो ड्राइनेस होती है उसके लिए भी ये वर्क करेगा, और रफनेस कम करेगा, स्किन को सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाएगा. तो इधर इसमें लाइटनिंग का कुछ नहीं लिखा, लेकिन फ्रंट में दिया गया है स्किन को लाइटनिंग करने का. चलिए गाइस, अब बात करते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की इस क्रीम के बारे में. इस क्रीम को मैंने काफ़ी पहले यूज़ किया था, अभी मैंने इस क्रीम को रिसेंट में नहीं यूज़ किया है, टाइम हो गया है. गाइज, ये क्रीम स्पेशली मुझे लगती है विंटर्स के लिए, या उस मौसम के लिए जब जिस टाइम आपकी स्किन ड्राई होने लगे, बेजान होने लगे, रफ होने लगे. बहुत लोगों की समर में भी होने लगती है, क्योंकि कभी कभी वेदर इफेक्ट से भी स्किन ड्राई होती है, कभी कभी इंटरनल प्रॉब्लम से भी स्किन ड्राई होती है, मतलब कि शरीर के अंदर प्रॉब्लम से, और कभी कभी एजिंग इफेक्ट से. दैट केस ये क्रीम आपके लिए वर्क करेगी, बट अगर ऑयली स्किन वाले इस क्रीम को यूज करेंगे, तो गाइज आपका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डल होने लगेगा, फ्रेंकली स्पीकिंग. मतलब कि ऑयली स्किन वालों के कॉम्प्लेक्शन को ये थोड़ा सा ऑयली कर देगा, तो उसकी वजह से कॉम्प्लेक्शन हल्का सा डल लगेगा. अगर बात करें, मैंने इस क्रीम को यूज़ किया था सर्दी के टाइम, तो ये क्रीम काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही थी, मेरी स्किन में ग्लोई इफेक्ट लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे इसमें थोड़ा सा गर्मी आती गई, उसने मेरे फेस पे एक पिंपल दे दिया था, जिससे इंडिकेट हुआ था कि अब बंद करो इस क्रीम को, क्योंकि स्पेशली है विंटर्स के लिए, सर्दियों के लिए, या फिर उनके लिए जिनकी हर सीजन में स्किन ड्राई होती है, तो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं. ऑयली स्किन वाले इसको तभी यूज़ कर सकते हैं जब सर्दी हो, या फिर इनके
केस आपकी स्किन ड्राई होने लगे तो ऐसा एक मॉइस्चराइजर होना चाहिए कि कभी कभार आप फेस पे अप्लाई कर लो ताकि जो स्किन एकदम से ड्राई होने लगे वो ड्राई ना हो। सो गाइज, अगर रिकमेंड करने की बात करें तो ये क्रीम मैं हाईली रिकमेंड करूंगी सिर्फ और सिर्फ ड्राई स्किन वालों को। ड्राई स्किन वाले ही इसको यूज करें, ऑयली स्किन वालों के लिए और भी वेरिएंट है और भी वैरायटी है पतंजलि में। अगर आप पतंजलि में ही जाना चाहते हो तो उसके और भी वेरिएंट ट्राई कर सकते हो। इस क्रीम के लिए आपको अपनी स्किन को ड्राई करना पड़ेगा। सो गाइज, ये था मेरा हॉनेस्ट रिव्यू पतंजलि एलोवेरा मॉइस्चराइजिंग क्रीम के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा जिस बगल में लगा है बेल बटन। डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट। कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप मेरे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक।